नमस्कार दोस्तों, भारतीय किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मालपुए। मालपुए के लिए मैं 2 कटोरी मैदा लिए हूँ और आधा कटोरी सूजी इसी कटोरी से, और इनको मिक्स करेंगे घी में। और ये 1 कप दूध, ये थोड़ा गुनगुना है तो हम हाथ लगा सकते हैं, ऐसे इतना होना चाहिए, उंगली लगा सके। इनको मिक्स करेंगे। लम्स ना पड़े। तो ये 1 कप दूध डाले, फिर ये दूसरा कप है। 2 कप हमने दूध डाल दिए और इनको मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स हो गया है सूजी मैदा, और यहीं पर 1 कटोरी चीनी है, और चीनी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। इनको भी मिक्स करेंगे। और 2 चम्मच नारियल बूरा मिक्स करेंगे। 2 चम्मच ये काजू बादाम छोटा छोटा काट के डालेंगे। और इनको 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे रेस्ट पे। अब इनको ढक के रख देंगे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे। तो देखिए 1 घंटा हो गया और वो फूल गया है सूजी और मैदा। देखिए कितना बढ़िया। और इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाले हैं, अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। कढ़ाई में मैं रिफाइंड तेल डाली हूँ, लोहे का कढ़ाई ले ली हूँ। दोस्तों ये जरूर बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। होली में कितना मिठाई बने, जब तक पुआ नहीं, माल पुआ नहीं बनता है तब तक मजा नहीं आता है। देखिए कैसे फूल गया है, इनको हम पलट देंगे। मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। देखिए ये 1 तरफ के हो गया है, दूसरा तरफ भी पलट लिए हैं। पलट पलट के हमने इनको पका लिए हैं, हम निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सब बनाएंगे। दूसरा भी ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा फुगा बनके तैयार हो गया है, कितना बढ़िया। देखिए एकदम जाली वार, जाली वाला, देखिए जाले, ये कितना अच्छा दिख सकते हैं है। तो हम इनको सर्व करेंगे। और ऊपर से ये काजू बादाम थोड़ा सा छोटा पीस कर ली, छोटा छोटा में इसे गार्निश करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।